जय हिंद दोस्तों, अलख एकेडमी पर आज 5 दिसंबर को आप सभी के फिर से स्वागत है। मैं निरंजन आप सभी के बीच में फिर से करंट अफेयर लेकर हाजिर है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों, और वीडियो को देखते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए दोस्त, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर को मनाया गया है। आगे है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो दक्षिण सूडान ने घोषणा की है। आगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। आगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे, फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही है? तो निर्मला सीतारमण जो है पहले स्थान पर रही है। हाल ही में भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने के साथ मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत पर्यटन निगम ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संबित पात्रा बने हैं। आगे, हाल ही में किसानों को ऋण देने के लिए किस बैंक ने अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो SBI ने किया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जर्मनी के बेवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक ने किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।